जनपद में होली पर्व को सफल संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस व बाहरी जिलों के पुलिस को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार से जिले में होली का पर्व शुरू हो गया है। कल पुलिस प्रशासन की चौकसी व जनता के सहयोग से होलिका दहन सकुशल संपन्न हुआ और कुछ जगहों पर आज रात में होलिका जलाई जाएगी। उन्होंने कहा, शनिवार को गोरखपुर में रंग भरी होली खेली जाएगी, जिसके लिए पुलिस की सभी थाना क्षेत्रों में ड्यूटी लगा दी गई है और पब्लिक का भी सहयोग लिया जा रहा है और होली को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। इसके साथ ही बाहरी जिलों के फोर्स आरएफ पीएसी की कंपनी को तैनात किया गया है और होली को संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग के छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, जिससे सभी पुलिस बल मिलकर होली को सकुशल संपन्न करवाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, आपने देखा कल से ही होली का त्यौहार एक तरह से शुरू हो गया है। होलिका दहन कल पुलिस प्रशासन की चौकसी और जनता के सहयोग से सकुशल संपन्न हो गया है। कुछ थाना क्षेत्रों में इक्का दुक्का होलिकाएं आज जलाई जाएंगी। कल रंग भरी होली जिसे कहते हैं वो पूरे जनपद में खेली जाएगी, उसके लिए भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। पब्लिक के जो पुलिस के सहयोगी लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है और तैयारी इतनी मुकम्मल है कि जैसे त्यौहार अब तक बीतते रहे हैं, आगे कल भी लोग हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएंगे, किसी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं होगा। एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है सर? एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती बाहर से हमारे पास पीएसी की कंपनियां आई हैं, आरएएफ की कंपनी आई है, उसकी भी तैनाती की गई है और हमारे सिविल पुलिस में आप जानते हैं सारी छुट्टियाँ बंद कर दी गई हैं होली को देखते हुए। तो ये सारा पुलिस बल जनता का होली का त्यौहार सकुशल संपन्न हो जाए, इसी के लिए मुस्तैदी से लगातार लगा हुआ है।